हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। तो ये है उस दिन का ब्लॉग जब हम लोग ओंकारेश्वर दर्शन करने गए। उज्जैन के एक साइड महाकाल हैं और एक साइड ओंकारेश्वर हैं, तो पहले हम लोग ओंकारेश्वर जा रहे हैं। तो एक गाड़ी में बैठी हैं सेव्या, भाभी जी, मैं और ऐश्विक, और दूसरी वाली गाड़ी में हैं भाई साहब ये और यश और सांवरमल भैया। तो बस अभी हम लोग निकले हैं और ये आ गई नदी, पहुँच गए हम लोग ओंकारेश्वर के करीब। तो पानी बहुत तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छा था पानी। और फिर जैसे ही नदी क्रॉस करी हम लोगों ने, तो फिर ये वाला जो होटल है, गोपाल मिडवे करके इसका नाम है, यहाँ पर हम लोगों ने डिनर करा था। और फिर डिनर करके अब हम लोग निकले आगे की तरफ। अब पहुँच गए हम लोग ओंकारेश्वर, जो कि आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है, वो बांध है। और इसके दो रास्ते हैं, आप बांध मतलब ब्रिज से भी जा सकते हो, नदी पार करके शिव जी हैं यहाँ पर, और आप नाव से भी जा सकते हो। तो हम लोगों ने जाते समय नाव का रास्ता चुना कि थोड़ी सी नाव की सवारी हो जाएगी बोल के। हालांकि गर्मी इतनी थी कि थक गए थे, मतलब आप बता नहीं सकती मैं आप लोगों को। और ये देखो शर्मा जी की डर के मारे किसी हालत हो रखी है, इनको पानी में बैठना बिल्कुल, मतलब नाव में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं हो रहा था, और ये मना ही कर रहे थे कि नहीं 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 बैठते। और बैठने के बाद पहले तो ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को सिर्फ पार होकर जाना है मंदिर के लिए, लेकिन फिर नाव में जब हम लोग आए तो नाव वाले भैया ने बोला कि आप लोग 100 रुपीज़ खाली एक्स्ट्रा देना और हम आपको ये बांध तक का एक मतलब चक्कर लगवा के लाएंगे। ये देखिए आप, पहाड़ों से पानी भी आ रहा है ना, ऊपर से दिख रहा है झरने की तरह। तो फिर वो उसके लिए भी मना करने लगे, लेकिन हम लोग सब जिद करने लगे, नहीं नहीं चलो। ये देखो अब थोड़ी सी इनके चेहरे पे हंसी आ रही है। और ये भैया ने बताया यहाँ पर ये जो नदी है इसमें दो नदियों का संगम है, तो ये हम लोगों को संगम की तरफ भी लेके जा रहे हैं अभी। वो कावेरी नदी है वहाँ पर, जो कि बिजली पावर हाउस के नीचे से आती है, और जो बांध बना हुआ है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो करीब 8 किलोमीटर तक का कावेरी नदी का पानी दिखाई देता है उसमें, उसके बाद फिर वो नर्मदा में ही मिल जाता है। ये देखिए बांध, उसके बाद बस। और ये सामने ब्रिज है, जो कि एक दूसरी रास्ता मैंने आप लोगों को बताई मंदिर तक पहुंचने के लिए। और ये पार्किंग नहीं है, लाइन के लिए बनाया हुआ है, जो भी आप लोगों ने देखा ना इतना बड़ा, क्योंकि भयंकर वाली भीड़ होती है। बस अब हम लोग पहुंच गए मंदिर, और अब यहाँ हम लोग लौट के आ रहे हैं ब्रिज से दर्शन करके, क्योंकि मंदिर में तो कैमरा अलाउ नहीं रहता है। तो यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जाते समय जितने परेशान हुए लौटते समय उतना ही अच्छा लगा। और ये जहाँ से ब्रिज निकल, मतलब ब्रिज के दूसरी साइड का रास्ता है जहाँ ये सूर्य का इन्होंने प्रतिमा बनाई हुई है। उसके बाद बस अब ये रात का समय, हम लोग यहाँ डिनर करने के आ गए। हमारी गाड़ी हो गई थी, आ गई थी जल्दी, तो इन लोगों ने बोला तुम लोग जाके वहाँ पर वेट करो और ऑर्डर करो जब तक हम लोग आ रहे हैं। और ऑर्डर क्या करना था, हम लोग तो खा पी मतलब हमारा 50-60% तक डन हो गया था, जब तक भी ये लोग नहीं आए थे। तो यश ने आके जब देखा कि हम लोगों ने क्या ऑर्डर करा है और हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, तो बोल रहा था बोले अंकल के साथ गाड़ी में बैठने में तो बोले कचौरी खाने को मिली थी, और आप लोग बोले इतना अच्छे से एंजॉय कर रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने सूप लिया, पनीर सिजलर लिया और फ्राइज लिया। फिर बस ये लोग भी आ गए थे, तो किसी ने कॉफ़ी ली, किसी ने छाछ ली, और फिर दाल चावल भी मंगाए थे हम लोगों ने। तो बस यही था हमारा आज का वीडियो। फिर हम लोग गए आइसक्रीम खाने के लिए, फिर हम लोग गए पान खाने के लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।